हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नैनवी राधे राधे करो। नैनवी इसका ध्यान क्या खेल रहे हो आप? ये अभी गाइस मैंने बालों में दही लगाया है, सुबह सुबह अभी सूख गया है। अभी मैं नहाने जा रही थी तो सोचा मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ। डेली तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ या नहीं डाल पाऊंगी, बट मैं सोच रही थी अभी जब मैं रिसेंटली मैंने व्लॉग शुरू किया तब मैं सोच रही थी कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग डाल दिया करूंगी, मतलब हर संडे को व्लॉग डाल दिया करूंगी, पूरा हफ्ता कभी भी शूट कर लूंगी और संडे को डाला करूंगी। नहीं भी आवाज़ मत करो बेटा, क्यों करो आवाज़ आप। और अभी मैंने दही लगाया क्योंकि मेरे बालों में ना गाइस बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, मतलब बचपन से ही है, जब से मुझे अपने बचपन की याद है तब से मुझे ऐसा लगता है मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ होती थी पहले से ही। और दही अब तो मैं नहीं लगाती, आज मैंने बड़े टाइम बाद लगाई ताकि मुझे थोड़ा मतलब इससे भी ठीक नहीं होती। मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं पहले बहुत लगाती थी दही, बट कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इससे मेरी डैंड्रफ ठीक हुई है, बट मुझे शांति फील होती है, मतलब बहुत ठंडा ठंडा फील होता है क्योंकि मैंने ना खारिश बहुत ज़्यादा की होती है, फिर उसके बाद जैसे मैं दही लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। अब तो मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम बाद लगाई है, शादी से पहले मैं लगाती रहती थी। क्या कर रहे हो ये? अभी आज ना गाइस हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, और जब भी कहीं कभी भी कहीं जाना होता है तो हमेशा यही टेंशन होती है कि क्या पहने क्या पहने, मतलब बेशक बहुत सारे कपड़े होते हैं पर फिर भी लगता है कि ये भी नहीं पहनना है ये भी नहीं पहनना है, क्या पहने, कपड़े नहीं है हमारे पास। और पहले मुझे अपनी टेंशन होती थी, अब नैनवी की भी होती है कि इसको क्या पहनाऊं, बट अब मैं सोच रही हूँ गाइस मैं शॉपिंग कर करके थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास, मतलब हर किसी मतलब सभी लड़कियों के पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इनको बार बार पहना करूँगी क्योंकि अपने कपड़े हैं, हमने इतने पैसे खर्च किए होते हैं तो इनको पहनने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो हम किराए पर कपड़े लेते हैं ना उनका फिर हो जाता है, उन कपड़ों का होता है कि एक बार पहने दूसरी बार नहीं पहनते, हमने किराए पे लाए होते हैं तो उनमें शर्म महसूस हो सकती है, लेकिन जो अपने कपड़े हैं जिन पे हमने पैसे खर्च किए हैं उनमें शर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने ये चीज कहीं पढ़ी है और अब मैं इसको जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। मैं जो मेरे पुराने कपड़े हैं उनका रीयूज किया करूंगी बहुत ज्यादा, जब मैं बहुत ज्यादा बार पहनूंगी तब भी मैं उनको रखूंगी, क्योंकि मेरी जितनी भी ड्रेसेस हैं ना जैसे साड़ी वगैरह या हैवी ड्रेसेस वो मैंने एक एक ही बार पहनी है मोस्टली, तो मैं कोशिश किया करूंगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करूं। मैं घर के कपड़े हमारे यूज़ हो जाते हैं क्योंकि घर में हम डेली मतलब पहनते हैं तो इनका कुछ नहीं होता है, बट जो हैवी ड्रेसेस होती है ना वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। गाइज मैंने ना अभी मीशो से ये वाली मेकअप किट ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। किसी को भी चाहिए होगी तो मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। बुआ बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, अभी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ये ना जब छोटी थी तो इसको ध्रुविका नहीं बोलने आता था, ध्रुवू नहीं बोलती थी, ये बुआ बोलती थी, तो अब मैं इसको क्या बुलाती हूँ? किसकी बुआ हो आप? वाओ आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हो, हगी कर दो। हाँ एक लिया आपने एंडू में नैनवी, इसको क्यों ले आया बेटा आगे और लेनी चाहिए जी, ये क्यों ले आए, नीचे रखो जाओ इसको। बताओ किसके बर्थडे में जा रहे हैं? अकुल के। किसके? अकुल के। अकुल के बताओ किसके? अकुल के। ध्रुवी आपको पता है किसके बर्थडे में जा रहे हैं? किसके? अकुल के। चिज्जी खा रहे हो ना आप, फिर उल्टी भी होती है चिज्जी से, होती है ना, होती है नैनवी को होती है, ध्रुविका को होती है ना। अभी नैनवी के पापा गए हैं गिफ्ट लेने, तब तक हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। आते से हमें यहाँ मिलेगा इस घेवर, हमारे यहाँ पे घेवर ऐसे होते हैं भल्ले और घेवर, बाकी जगह पे मैंने देखा है कुछ अलग से होते हैं पर हमारे यहाँ पे इनको घेवर बोलते हैं। ये है गाइस बर्थडे बॉय, और इसकी ना मैं नानी लगती हूँ, बहुत जल्दी नानी बन गई हूँ मैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे बट पीछे म्यूज़िक ना बहुत ज़्यादा लाउड था तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इस वजह से। बर्थडे से आ गए गाइस, और कहाँ जा
जा रहे हैं हम? अब कहाँ जा रहे की शादी में? पहले घर जा रहे हैं, हमारे घर में भी आज शादी है, मतलब हमारे ताऊ जी के बेटी की, तो घर के साथ ही घर है, मतलब घर में ही है शादी। तो अभी यहाँ से जाकर घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर वहाँ जाएंगे। आज वहाँ पे मेहंदी है, कल फिर शादी है ना? किसकी शादी है? उससे पहले हम वेट कर उससे पहले हम वेट करेंगे विजय भैया का, ध्रुवी के पापा आ रहे हैं, तो वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अभी उनका वेट कर लेंगे, फिर साथ घर निकलेंगे। हाँ जी। कौन आ रहे हैं? अच्छा, तब तक ध्रुविका को नींद लग गया, सो जाओ आप। अब कैसा लगा? अच्छा। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है ना, फिर खोल दो, यही पहनना। अब क्या लेना है आपको? क्या लेना है? अब मुझे लेना है शूज लेने हैं। ठीक। बाहर ना अंधेरा हो गया गाइस, मतलब रात ही होने वाली है और अभी हम बाजार में ही हैं। ध्रुवी का तो थोड़ी देर सो गई थी बट नैन भी नहीं सोई, अब घर जाके ये तंग करेगी। अभी घर जाकर हमें शादी के लिए भी तैयार होना है, बहुत बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं। अभी हम मतलब मेरे देवर जी आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, तो अभी आधा घंटा लग जाएगा मैं यहीं पे और आधा घंटा और घर के लिए, बहुत लेट हो जाएंगे फिर हम, है ना? ध्रुविका को बाजार ले गए और ध्रुविका मेरे साथ गई थी ना शॉपिंग करने, तो पहले ध्रुविका बड़े बड़े कपड़े पहनने लग गई, फिर उसके बाद बोलती कि मेरे को साइकिल लेनी है, फिर बोल रही थी मेरे को स्कूटी लेनी है, फिर कपड़े लेने हैं, फिर क्या लिया लास्ट में दुबू आपने? क्या लिया था उन्हें? चप्पल। हाँ, फिर चप्पल ली तब मानी। ये पहुंच गई बस, इस बस में आ गए और ये देखो, ये देखो, हाय। अभी पहुंचे गाइस हम घर में, 8 बज रहे हैं, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है तैयार होने की, शादी में जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊं, अभी ऐसा लग रहा है गोली खानी थी एनर्जी की, फिर तैयार होकर जाना था, पर चलो देखते हैं, अभी होना पड़ेगा रेडी मुझे। मैंने और नैनू ने पिंक पिंक पहन लिया है ना, कैसे लग रहा है? पूछो, अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, चलो। ऐसे फंक्शन में ना गाइस वीडियो में कुछ भी कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डीजे लगा हुआ है और कॉपीराइट आ जाता है। कल भी जो मेरा बर्थडे ब्लॉग था ना पीछे वाला, उसमें भी मुझे कॉपीराइट मिला हुआ है, पर फिर भी चल रहा है, तो इसमें भी कॉपीराइट आ जाएगा शायद। शादी में ना गाइस कुछ भी कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीछे म्यूजिक चल रहा होता है और फिर कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब के लिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम घर आ गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा सा फ्रेश होंगे अभी, और ये व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा और अगले हफ्ते मैं फिर कोशिश करूंगी, वैसे शादी कल है बट कल फिर मुझे दिक्कत होगी व्लॉग बनाने में क्योंकि म्यूजिक ऑलमोस्ट चला ही होता है। कल का हो सकता है मैं मिनी व्लॉग बना लूं, पर अभी इस संडे को ये व्लॉग डालूंगी और नेक्स्ट संडे के लिए फिर मैं कुछ और व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय कर दो, बाय बाय।